कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, जब हिरण्यकश्यपु धर्म का विरोध करता है तो उस समय नारद जी भगवान के पास में पहुंचते हैं कि प्रभु पृथ्वी विष्णु पत्नी कहलाती है और वहाँ पर धर्म का निवारण होना ये उस प्रकार से हुआ कि जैसे एक परिवार में से पति पत्नी को अलग कर देना जैसा। भगवान का अस्तित्व ही पृथ्वी का सार है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पृथ्वी में जो भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उस समय नारद जी को भगवान बताते हैं, नारद आप जा कर के हिरण्यकश्यपु से कह दो कि यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु धर्मेशु च वैद्यस्यं सवा आशु विनश्यति। विस्तार पूर्वक आप समझा देना, यदा वेदेशु, वेद अपौरुषेय ग्रंथ है, इसके कोई रचयिता नहीं है, इसके रचयिता स्वयं भगवान है। आप वेद पढ़ सकते हैं, वेद में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, वेद के भाष्य को देखे बिना या उसके स्वर के ज्ञान किए बिना आप वेद का उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो वेद को सुरक्षित रखना हमारा धर्म है, वेद से ही सारे धर्म, सारे आरण्य ग्रंथ, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, धर्म सूत्र आदि की व्याख्या की गई है। तो वेद भगवान का स्वरूप है, उसके अतिरिक्त देवेशु जितनी भी मूर्तियां भगवान की, जितने स्वरूप धरती में हम स्थापित करके पूजा करते हैं या जितने स्वयंभू हैं, जितने नदी के रूप में हैं, जितने पिंड के रूप में हैं, ये सब भगवान का स्वरूप है। आप पूजा न करें तो चल जाएगा, आप भगवान को प्रणाम न करें तो चल जाएगा, परंतु किसी मूर्ति पूजा का विरोध आप नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा का विरोध करना भगवान का विरोध करना है। मूर्ति पूजा के विषय में या मंदिर के साथ में अभद्र व्यवहार करना, देवताओं के साथ अभद्रता करना, आसपास गंदगी फैलाना या निंदा करना, स्वयं भगवान की निंदा है। भगवान की निंदा अपनी ही आत्मा की निंदा है। इसी प्रकार गौ माता है, भगवान ने कहा यह भी धरती में मैंने अपने स्वरूप को ही गौ के रूप में प्रकट किया है, क्योंकि गौ हरा घास खा करके हमें अमृत रूप प्रदान करती है। आपने सुना है गौ माता के संपूर्ण शरीर में देवताओं का वास होता है। आप गौ सेवा नहीं करें तो कोई जबरदस्ती नहीं, गौ की पूजा नहीं करें तो कोई बात नहीं है, परंतु आप गौ के साथ में अत्याचार नहीं कर सकते, आप उनको बांध करके भूखा प्यासा नहीं रख सकते या फिर गौ का अंश आप नहीं खा सकते। आप अपने भाग में से जैसे जिस प्रकार से देवताओं का भाग निकालते, जिस प्रकार से अतिथि का भाग निकालते, उसी प्रकार से गौ माता का भी भाग निकलता है। पंचबली वैश्वदेव जो यज्ञ करते हैं उनको ये सब बातें पता होती है। यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु, ठीक इसी प्रकार से भगवान की बपौती ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण हमें संसार में पैदा होते ही उसकी आवश्यकता होती है। नालत छेदन संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक जितने भी संस्कार होते हैं ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। ब्राह्मण भगवान का ही प्रतीक रूप है, बपौती रूप है। आप किसी ब्राह्मण को अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, उसके साथ में अन्याय नहीं कर सकते, उसको नीचा नहीं दिखा सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अपने आप को ही हमें अधर्म की तरफ ले जाना है। तो ब्राह्मण के साथ भी इस प्रकार से हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु, ठीक इसी प्रकार से संसार में जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आती है तो भगवान स्वयं न आ करके साधु वेश में भगवान किसी संत को भेज करके आप अपने व्यवहार को, अपने पाप के द्वारा गिरे हुए अस्तित्व को संत के द्वारा भगवान उठा करके आपको अपनी तरफ खींचते हैं और पापों को नष्ट करते हैं। तो धरती में साधु भगवान का रूप कहलाता है। जब जब गृहस्थी जीवन में या संसार के विपत्ति में फंसे हुए लोग
जब भगवान के तरफ आकर के रोते हैं तो भगवान साधु रूप में आकर के उनका उद्धार करते हैं। आप विभिन्न उदाहरण आत्मदेव आदि का देखते हैं, सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से धर्मेशु, धर्म माने हमारे श्रुति ग्रंथों में कहा गया है रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म का स्वरूप है और धर्म भगवान है, भगवान की वाणी श्रुति है, श्रुति से सारे हमारे धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ के अध्ययन और उनके आदेश, गीता जैसी भगवान की वाणी, रामायण जैसे राम की दिनचर्या, गुरु पितु मातु इनके वचन, इनका पालन करना ही धर्म है। तो धर्म का हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए। गुरु देवता अतिथि और अन्य सज्जनों का व्यवहारिक रूप से हिंसा नहीं होनी चाहिए। और भगवान अंत में कहते हैं मई, विशेष करके मेरा नाम लेकर के जो आपत्ति करता है या जो मेरा विरोध करता है, सवा आसु विनश्यति। तो ये सात चीज़ें भगवान की धरती में बपौती रूप है, भगवान इन सत्ता को स्वयं संभालते हैं। तो हमें संसार में रहते हुए इन सात चीज़ों पर ध्यान दे करके संभल के चलना होगा। तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत दूर तक जाना या बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करना पड़ेगा। इन सात में से एक का भी अनुसरण करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, तो हमें इसी जीवन में जीते जी भगवत प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।